सत्संग साहे एक घंटो सुनो, लेकिन बड़ा प्रेम री सुनो। नींद एक घंटो लो, लेकिन बड़ी प्रेम की लो। रोटी एक ही जीमो, लेकिन शुक्री जीमो। दोस्त एक ही बनाओ, लेकिन मित्र वे तो शुगरो एक ही गणो। शुगरो मिनक तो एक ही गणो, दोस्त बनगो वे तो बैठो पार कर दे वे। खैर बाकी सजनो, नाजो का तो फेसबुक या 5,000 काम का को नहीं। कही क्या हमारे फेसबुक 5,000 पूरा वेगा, अने पूछो कोई 50,000 हो जरूरत पड़गी वे देखा तू देवाड़ है कहीं फेसबुक वाला है, सब ऊंचा हाथ करने वाला है। रुपया तो घनी मोटी बात है, कटी कांकड़ में अपने कूटिया वे कोई अपनी भंधोली काटी वे फेसबुक वालों छोड़ो ना वेगा। घरवाली फोन करो तो दर्शन आज कैंपर फ्रीजर क्या मारा पियाजी ने ठोके यार, फेसबुक वालों एक ही नहीं आवे यार, मुंडो ठोक्यो फोटो गालो फेसबुक में तो नीचे कमेंट आई वेरी नाइस, रोई लिया सुपर डुपर। ओहो अब थारो मुंडो तो उजड़ो पड़ियो, नीचे लिखे कमेंट वेरी नाइस। हाँ जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए महात्मा ने समझाया है कि जिंदगी में सत्संग एक घंटो सुनो, लेकिन बड़ा प्रेम की सुनो। महात्मा ने समझावे 68 तीर्थ बताया है, और माता पिता रे गुरुदेव रे चरणा में, गौ माता रे चरणा में 4 धाम का तीर्थ बताया। ये बहुत बड़ी कृपा है चरणों की। इन वास्ते महात्मा समझावे, अर्थ करू मैं थाने चरणा में राख जो माने, अरे मारी लाज शर्म सब थाने, हेलो चोड़े क्यों के आप भले आप जीता भी बैठा लगभग 11:15 बजी है, अबे अपने भरोसो बालाजी रो है 7-8 बजे आया जन भरोसो भोजन को के टेम आते जीम ला यार जीम या पचे भरोसो वे गयो बाला जीरो कि आपने 2 घड़ी कहीं सुनना है कहीं सुनना भगवान का थोड़ा बोल बोरो थे बोलो जन मंगाली बेटियां 4 जोई क्योंकि वक्ता में गुण 1 श्रोता में गुण 4 मां के पीछे थे होशियार ज्यादा आप में 4 गुण बताया संतों ने गुणनाला में 4 गुण है वक्ता में गुण 1 श्रोता में गुण 4 यार दोनों को मतो एक उजे वे बैठो आप और मारो जुड़ाव जरूरी है क्योंकि माने तो बिठाई दिया पाटा माते मैं तो हाँ पटीदार यार थे बैठा हो जमी माते थे हो जमीदार यार पटीदार मोटो को जमीदार है जमीदार जमीदार तो हंकारो कौन बोल दे तो है नहीं खोटी बात वह कोई नी जच्चे जड़ी बात वे तो हंकारो नहीं भरनो जच्चे जड़ी बात वे जड़ मन में लागे कि आप बात तो अपार शरीर में तो बढ़िया सेट वे उन जगह तो हंकारो भरो नहीं नहीं या को निकले या कोई सिटी बस थोड़ी तो निकल जाए इतना मोटा मंच में तो बैठा इतना मोटो रेडियो लगोड़ो यहाँ थोड़ी निकले जी अट एक एक शब्द ने तोल तोल देना पड़े हाँ कोई सब्जी मंडी वे तो कहीं डालू जगह गोभी रो भाव लगाई दे ये सत्संग है साहब या एक एक शब्द बतावे महात्मा समझावे एक शब्द भी लाखों नहीं करोड़ों अनमोल रुपयारो है बोली तो अनमोल है जे कोई बोलो बोल एक बोल में जाते 3 लो करो स्पीकर आगे हो सके दोनों थोड़ा साइड में कराओ हाँ माने हाँ अन साइड में रख दो दोनों उठा लियो अन साइड में रख दो धार विचार नहीं कहीं को ना आप बात अच्छी है ना हाँ थे तो कौन कियो पर मने थारी पीड़ था है थार पीड़ गई है क्योंकि हीरा री गत जौरी जाने और गायल री गत है गायल जाने थारी गत हूं जमज गयो थई खान का व्याद मन लागे उनियारा कौन दिखे जने जीते हुणबाला ने गाबाला रो उनियारो नहीं देखे जीते रस नहीं बने जागण को फेस टू फेस जरूरी है हैं भाई नेर पावन ने चौरी बिठो जन मां बाप ने हम क्यों बियाने बामण तो कौन बे हमो अच्छा वे तो भाई नेर भैसा लारला पाड़े भाई फूट लारी बियान सके लेकिन नहीं हम हम बस शाक लागी अगर शाक हुनबारा वाली गबाड़ा की शाक लागे थे मार मुंडा बैठा जिन मतलब अपनी शाक है जागण की क्या भाई मैं तो गा उतार थे हुनता हां साइड में ले लो अपने किसो कोई नाच वाला है निकल गया मैं घर घर गए और सब घर का घर गए अपन कोई क्वालिटी और कोनी हां थोड़ी साइड में ले लो ना हां हां ठीक है कासा फर्क पड़ियो नहीं अलवा 2 उतरो फर्क पड़ियो हाँ जी नहीं अब दिखे सब थोड़ थोड़ा क्यों हम लोग दिखे अब बन उबा कर दो आज ये ओम जी बैठा रही बता कारण उबा कर दो आज हाँ रोजी ना गाँव ही जागने वाले दिन मानो उबा कर दे लोग बे उतने क्या उबा उबा गाओ अब साहब 8 घंटा कहीं मैं तो उबो कदी वाड़ बचा मिल रही हो पर थाने के मुंह बुआ करा गई बोले
माता पिता शुद्ध बराता सब है मतलब रानाता गुरु तारण तिर तुम दाता जरा चार वेद दस गाता है। ससंगरी चार वेद में महिमा बताई है। सजनो ससंग जरूरी नहीं है कोई लखपति करी जागण वे, ससंग कोई करवा सके। जरूरी है ससंग में 10-50 हजार मिनट बेड़ा वे तो जागण वे ना, ससंग तो सजनो दो जनारी हुआ है। वेणी चीज सत्संग दो जनारी भी जागण वे, सत्यरी बात आवा आदान प्रदान करे भी नहीं ससंग कहे। आ जरूरी है भजन गाणो आवे भी नहीं भजनी कहे, थाने भजन गाना नहीं आवे बहुत बड़ा ससंगी हो, क्योंकि भजन सीखना भी ससंग नहीं है। भजन को सार सीख लियो, मंडी में जाओ जो हगड़ा किया बोली लगाऊ थोड़ी जावे, मंडी में जावे ना भाई हगड़ा बोली लगाऊ थोड़ी जावे, बोली तो भाई बोली लगाऊ ना लगावे, आपा तो खाली देख बाने जावा बोली खत्म छोटी। इस वास्ते आपा ससंग में आया इस शबदरी बोली रो मोल करने वास्ते। जन महात्मा ने कहा कि बोली तो अनमोल है, जे कोई बोलो बोल, एक बोल में जाते तीन लोक रहो, तीन लोक रहो मोल। ये ससंग है साहब यार, हरुआत में ससंग रो आनंद रीठा पड़ जाए करे, आपका चेहरा हजार हजार फूल भेजो, ये मतलब मारी भाषा तारा मज में आवे आवे ना, आ रही है सब ने बड़ा प्रेम आ रही है। एक बार हाथ खड़ा करो, मारी भाषा किर की रमज में नहीं आवे। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, तो कसा देना कर। अच्छा फौजी साहब गए हो, हाँ समझ में आ रही आ रही है, ठीक है। हाँ कर पा ए चू गया ए देखियो कह समझ में आवे। जय हो जय। हाँ सर देखा ना भूलो तो ठीक है, बट अनचो आई गयो अनचो। हाँ हाँ भी है थारो वोच करूं 4 बजी है इस टाइम का मारू बगरियो की परो। हाँ और रोजीना को काम में कहीं करा 18 साल तो वेगा, 2-1 साल और कटे। हाँ अब तो बोली शहीद विजय तो मैंने कोई टेंशन को नहीं, मारो कोटो पूरा वेगो। मेरी बात सुनो बाबा जी, मेरो टारगेट है 25 करोड़ का और मात्र 13 लाख रुपया और बाकी है गौशाला में। 25 करोड़ का मेरा टारगेट लेके चलाऊंगी, जब तक गाऊंगा 25 करोड़ रुपया गाय ने बेड़ा कराऊं और 13 लाख रुपया बाकी कटे। 24 करोड़ 87 लाख तो हूँ बेड़ा करा दिया और 13 लाख बेड़ा कराना है तो मरते रूप तो ही कराई ना 4-5 दिन में। अब लोड पड़े तो पड़े, अगला रो पड़े अपने तो कहीं पड़े। तो आपने धन्यवाद देखते मारो होश तो करियो, बाकी इतना जना कभी होश कौन करे। हाँ जरूरी है करना ही चाहिए, थाने लागे जोर थाने लागे मैं जोर करा करा कहीं माने तो जिमा ये कमरा में बैठ ना कहीं चूर चूर ना हो ना। बाबल साहब बेड़ा बह गया जो क्यों पूछो बात, वो धान तो 25 जन हुई ना, 3 बजे पर जोर कौन करा मैं पे मैसी ट्रैक्टर बरानू मॉडल पे जो पे आवा अबारो सोनाली का पे बैठो क्यों नव नो एजेंसी में आयोडो है यार पे कल्टी में धंडा 2 नंबर पे जो डगला भागतो ही पे पे। अर्ज करू मैं थाने चरणा में तो ही मारो होच करियो साहब, क्या थाने जोर पड़तो वेला कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुख बड़ा शुभ चिंतक है। हाँ चिंता करे तो नहीं मैं जीवन तो हूँ, बाकी मैंने तो 5 आदमी ने पहले उठाने में लागोड़ा कई जना बैठा बैठा होच करे कटे राम जी हजार भरी उम्र वह। हाँ तो भगवान की कृपा है, महात्मा समझावे बहु सागर भरियो बारो अरे मन सूझे कोनी किनारो गुरु घट में दया विचारो में डूब रहे हो मजदारो संसार दरिया है अतंगल इमे घना जना तिरवा ने आया लेकिन सजनो हावचे था जगह तिरिया बाकी कई जना। तो ये भजन आयो लिखमा राम जी माली को, संत लिखमा राम जी माली समाज का संत था, बाबू जन्म भी हो नागौर जिला में तवसर में चेना मालियों के पास में लिखमा राम जी राजू राम जी माली का बेटा खिया राम जी का चेला। भजन में लिखियो आदू आदू पंत निमण पद मोटा संत सती वाली क्रिया अरे राम जी बिना निमण कुण तिरिया, बिना निमण कुण तिरिया संसार में तिरिया जगह निमण कर कर तिरिया। आज तो आप उनिया ना के तिरिया जगह सब जागरण में तिरिया, कभी उनियो सबका नाम तिरिया, उनियो कटी हॉस्पिटल में तिरिया, सत्संग में तिरिया, अपा बैठा जगह 4-5 जना तो और यार मनसुबो करा कर सा तिरनारो। हाँ देखो सुबह तक कहीं बैठेगा ओ भजन एक बाड़मेर में गायो पचपदरा में
बिना निवण कुण तिरियान के आ पाड़ता बूटा डोगरा उबा भी मैं क्यों ज्ञानी पुरुष है बाबो कहो रुको रुको मैं क्यों कहीं अरे थे कहो बिना निवण कुण तिरिया अरे बाबा जी मैं नहीं कहवा संत लिखमा जी कहो बिना निवण कुण तिरिया बाबो कह लिखमा जी भूलगा लिखमा जी चग्गा बोले कहीं भी हो लिखमा जी कहे बिना निवण कुण तिरिया अरे बाबो कह मारे बाढ़ मेरे खवास में बाढ़ आई लोग माचा में तू तिरिया कही रहा गोंदड़ा ने बकरिया भेड़ा तिरिया तो सुनो लखे जगाना बाग मोटा जो जागृत वे बेच तिरे हजार नहीं तिर सके जरा महात्मा ने कहा गृहस्थी बने तो धनक जी महाराज जड़ो बैरागी बने तो सुखदेव जी महाराज जड़ो ध्यान लगाओ तो दुर्जी महाराज जड़ो अरे नेम राखो तो नेमा जी महाराज जड़ो टेक राखो तो पहला जी महाराज जड़ी बेटो बने तो शरण जी महाराज जड़ो माता बने तो मेणावती जड़ी भाई बने तो भरत जी महाराज जड़ो दास बनो कर हनुमान जी महाराज जड़ो ज्ञान कर ले गोरखनाथ जी महाराज जड़ो कथनी कर कबीरदास जी महाराज जड़ी दानी बण मोर राजा जेड़ा सती बने तो अनुषा जड़ी शूरा बने तो तेजाजी बाबू जी राठौर जेड़ा और प्रेमा भक्ति कर तो मेरताली मीराबाई काल वाली कर्मा भाई जी महाराज जड़ी यह भजन करिया जन बाबा जी क्यों तिरिया